आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 इन मैथ डज इट लुक लाइक द सेम पेज नंबर 78। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सेम आफ्टर हाफ टर्न। क्वेश्चन है गेस व्हिच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। यहाँ पर जो नीचे शेप दी गई है आपको उन्हें बताना है कि हाफ टर्न होने के बाद उसमें कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। देखिए फर्स्ट शेप है आपकी स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड सर्कल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ हेक्सागोन एंड सिक्स पेंटागन। ठीक है तो अब देखते हैं यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस होते हैं शेप में या नहीं। देखिए सबसे पहले स्क्वायर दिया गया है, मैंने जो टॉप पार्ट है उस पर ए लिख दिया है और जो बॉटम पार्ट है उस पर बी। अगर हम बी को ऊपर ले जाते हैं और ए को नीचे ले आते हैं देखते हैं क्या उसमें कोई चेंजेस होते हैं। देखिए ये आपका बी पार्ट हो गया है और ये ए, यानी ये स्क्वायर है तो ये भी सेम स्क्वायर ही बन गया, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी ये हाफ टर्न है। अब रेक्ट एंगल दिया गया है, यहाँ पर टॉप पे ए दिया गया और बॉटम साइड में बी दिया गया है। अब देखिए इसमें कोई चेंजेस होता है नहीं, ये हमने यहाँ बी पार्ट कर दिया है और यहाँ पर ए, तो यानी रेक्ट एंगल में भी कोई चेंजेस नहीं है, यानी ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड सर्कल, अब सर्कल को आप कितना ही राउंड कर लीजिए को किसी भी शेप में मोड़ लीजिए ये सर्कल शेप में रहेगा। मैंने टॉप पार्ट पर ए लिखा है और नीचे बी, अब देखिए सर्कल को मैंने ये बी बना दिया है इधर और ये ए, यानी सेम है, यहाँ पर भी सर्कल है यहाँ पर भी सर्कल, यानी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। बी, बी में ली गई है आपको ट्रायंगल्स की शेप, यहाँ पर ए मैंने इसको यहाँ पर ए लिख दिया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको मैंने बी लिख दिया है। अब देखिए इसमें कोई चेंजेस होता है या नहीं, अगर हम बी ऊपर लाते हैं और ए नीचे लाते हैं तो आपकी क्या शेप बनती है, यानी बी, बी में यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो मैंने भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये दो स्लैंटिंग लाइन दी गई है इस टाइप से, यानी अब ये हुआ बी पार्ट और ये हुआ ए पार्ट, यानी इसमें भी चेंजेस हो गए। शेप तो सेम है बट क्या है वो जो नीचे वाला पार्ट था यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल इधर ऊपर की साइड आ गई और जो कॉर्नर था वो नीचे की साइड आ गया, तो यानी इसमें चेंज हुआ है, तो ये आपका करेक्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट है हेक्सागोन, हेक्सागोन है ये ए पार्ट दिया है ये बी पार्ट दिया है, देखिए इसमें कोई चेंजेस होता है या नहीं। सबसे पहले जो बी पार्ट है मैं यहाँ पर ऊपर की साइड ड्रॉ कर, ये बी पार्ट हुआ और आपका ये ए पार्ट हुआ, यानी यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आया है, यानी जो हेक्सागन की शेप है वो सेम है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट शेप आती है आपकी पेंटागन, पेंटागन में ये देखिए जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे की साइड और जो कॉर्नर है वो ए, यानी यहाँ पर देखते हैं इसमें भी कोई चेंजेस आता है, अगर हम बी ऊपर की साइड ले जाए और ए नीचे की साइड तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी जो ये शेप है ये इस टाइप से बन जाएगी, ये बी पार्ट हुआ या ये ए पार्ट, क्या ये दोनों सेम है, पिक्चर तो सेम है बट इसमें चेंजेस हो गए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर नीचे थी अब वो कहाँ चली गई है, वो ऊपर की साइड और जो कॉर्नर था यानी जो ये वाला कॉर्नर था वो नीचे की साइड आ गई, यानी ये आपका रॉन्ग है। सो स्टूडेंट आपको ये अपनी नोटबुक्स में करना है मैथ्स की। ओके थैंक यू।